अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 24 के साथ हाजिर हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। पहला वर्ड है हमारे पास ची, जे आई ची। प्रोनाउंस इसे कैसे करेंगे? ची, ठीक है, और मतलब है इसका हाउ मैनी। लेकिन हम हाउ मैनी इसको इसी तरह यूज नहीं करेंगे इसके साथ, बल्कि एक मायरिंग वर्ड लगाएंगे। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था गा, एक मायरिंग वर्ड था गा, तो उसी गा को इस ची के साथ जब लगा देंगे तो ये बन जाएगा हाउ मैनी, कितने। हाउ मैनी मतलब कितने, यानी चीगा। कैसे बोलेंगे इसे? चीगा, चीगा, चीगा मतलब क्या? हाउ मैनी, कितने, कितना, कितने, सॉरी, कितने मतलब आप कोई नंबर पूछना चाह रहे हैं, कितनी तादाद, ठीक है, आप उसके लिए हाउ मैनी इस्तेमाल करते हैं, कितनी तादाद। एग्जाम्पल देखते हैं फिर ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अब ये देखें, मैं कहता हूं जी नीदा च्या यो चीगारन, आपके घर में है कितने लोग, हाउ मैनी पीपल आर इन योर फैमिली, ठीक है। ये देखें कितना सिंपल है, नीदा च्या आपका घर, यो रखता है, यो हमने देखा पिछली वीडियो में, यो रखता है, चीगा, चीगा मतलब हाउ मैनी, रन, शख्स, अफराद, लोग, ठीक है। नीदा च्या यो चीगारन, नीदा च्या यो आपके घर में है चीगारन, कितने लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी के अंदर छुपा है, तो आप कह सकते हैं ये देखें नीदा च्या यो चीगारन, आप नीदा की जगह लगा देंगे वादा, च्या की जगह लगा देंगे च्या, यो की जगह लगा देंगे यो, और चीगा की जगह आप लगा देंगे जितने भी लोग हैं, मतलब कि अगर 5 है तो आप कहेंगे वुगा, वुगारन, वादा च्यायो वुगारन या वाच्यायो वुगारन, ठीक है। नीदा च्यायो चीगारन, आपकी फैमिली में, आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप जवाब देंगे वादा च्यायो वुगारन, मेरे घर में 5 लोग हैं, सुगारन 4 लोग हैं, या जितने भी अफराद होंगे आप उस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नीदा शोएशिया यो चीगा शोएशंग, आपके स्कूल में कितने तालबे इलम हैं, नीदा शोएशिया आपका स्कूल यो रखता है चीगा हाउ मैनी, कितने शोएशंग तालबे इलम, आपके स्कूल में कितने तालबे इलम हैं। अभी आंसर करेगा वही, देखें नीदा की जगह लग गया वादा मेरा, शोएशियाओ स्कूल यो रखता है, वो शिरगा 50, वो शिर कहते हैं ना 50 को, वो शिरगा 50 शोएशंग तालबेलम, वादा शोएशियाओ यो वो शिरगा शोएशंग, मेरे स्कूल में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 तालबेलम हैं। यानी आपने देखा क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, यानी आपने नीदा की जगह वादा लगा दिया और चीगा की जगह आपने लगा दिया वो शिरगा, यानी जितने भी आपके स्कूल में तालबे इल्म है, ठीक है। इसी तरह आपसे कोई पूछ लेता है कि आपकी जो, आप जब बताते हैं कि मेरी फैमिली में इतने बंदे हैं, फिर वो आपसे पूछेगा थामन शिरशई, वो कौन कौन है। जब आपसे कोई पूछे थामन शिरशई, इसका मतलब है वो कहता है कि वो कौन कौन है। थामन होता है दे, शीर होता है इज एम आर, शई होता है हु आर दे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं थामन शिर ईगा मामा, ईगा पापा, ईगा गागा, ईगा चेचे। तो आपने खाली मामा पापा गागा चेचे नहीं कहना, उनके साथ उनका नंबर लगाना है। ईगा मामा यानी एक माँ, ईगा पापा एक अबू, ईगा गागा एक बड़ा भाई, ईगा चेचे एक बड़ी बहन, ठीक है। वो हैं अम्मी, अब्बू, बड़े भाई, बड़ी बहन, ठीक है, इस तरह से आपने बताना है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास खा, एच ई, इसको इंग्लिश में तो हम पढ़ते हैं ना ही, लेकिन चाइनीज में एच को हम ज्यादातर खे से प्रोनाउंस करते हैं, एच ई खा, इसका मतलब है एंड यानी और। अब दोस्तों जब आपसे किसी ने पूछा था मनशीर शई वो कौन है, तो हम, मुझसे भी पूछे आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं, मैं कहूंगा जी 3, वो कहेंगे कौन कौन, मैं कहूंगा जी मेरी अम्मी, मेरा अब्बू और मैं,
और मैं, ठीक है, जितनी आप नंबर बताते हैं, तादाद बताते हैं, उसके अंदर आप भी शामिल होते हैं, तो आप वो उसको लास्ट में बताते हैं और मैं, तो वो कैसे कहेंगे? अब हम ऐसे कहेंगे, थामन शिर ईगा मामा ईगा पापा खा वा, वा मतलब और, खा वा मतलब मैं और खा मतलब और, वो हैं मामा पापा और मैं, ठीक है, खा मतलब और। उसके बाद जी दोस्तों, मुझे पता, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, वो आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, मजीद एग्जांपल्स खुद से बनाइएगा। अब हमारे पास है जी हाउ। हाउ को हमने पहली वीडियो में भी देखा था, हाउ का मतलब होता है गुड, अच्छा। अब यहां पर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई, आपके सामने कोई बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, और कोई अच्छा काम करता है, तो आप उसे कहते हैं गुड गुड, तो उस गुड के लिए आप इस हाउ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी करते हैं। अगर आपने किसी को कहना हो गुड, तो आप कह सकते हैं हाउ हाउ, ठीक है। हमने देख लिया जी हाउ का मतलब है गुड, और एक हमने वर्ड देखा था दा। दा इस्तेमाल होता है पोसेशन के लिए, मलकियत जाहिर करने के लिए। जिस तरह वा के साथ हमने लगाया था दा, तो वो बन गया वादा, वादा मतलब मेरा बन गया, ठीक है। नी के साथ नीदा लगाया, वो बन गया तुम्हारा। तो इसी तरह अगर हम हाउ और दा को इकट्ठा कर दें, तो ये बन जाएगा हाउ दा, हाउ दा। इसका मतलब होता है ओके ओके हाउ दा ओके। अगर आपने कहना हो ना ओके, तो आप बोलेंगे हाउ दा। इसी तरह हमारे पास है वर्ड नहाओ। नहाओ हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि ना का मतलब है डैट, वो, तो हाउ का मतलब है गुड। तो ये जब दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो ये बन जाएगा नहाओ, और इसका मतलब हो जाएगा दैट्स गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना, ये अच्छा है। नहाओ दैट्स गुड, नहाओ दैट्स गुड। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड चिन, JIN चिन। चिन का मतलब है एंटर, एंटर का मतलब है दाखिल होना, ठीक है। चिन एंटर, चिन लाए, चिन लाए, कम इन कम इन। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आपका आप बॉस से पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो वो कहते हैं आ जाओ कम इन कम इन। तो इसके लिए वो क्या कहेंगे, आप चिन लाए। अगर आप बॉस हैं या आपसे कोई इजाजत मांगता है अंदर आने की चाइनीज में, तो आप कहेंगे चिन लाए चिन लाए, अंदर आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास QING छिंग। क्यू को हम छे के तौर पर, छतरी वाला छे के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं, और इसका मतलब है प्लीज, मेहरबानी करके, मेहरबानी के तौर पर, मेहरबानी कीजिए, ठीक है, छिंग प्लीज। वाह चिल्लाए माँ, वाह चिल्लाए माँ, इसका मतलब है मे आई कम इन। चिल्लाए अभी हमने देखा, इसका मतलब था कम इन, क्या मैं, वाह चिल्लाए माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वाह मैं चिल्लाए अंदर आना माँ, क्या क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वाह चिल्लाए माँ। तो जवाब क्या होगा, छिंग चिन प्लीज एंटर, या प्लीज कम इन, हाँ प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए। तो जब आप कहेंगे ना प्लीज आ जाइए, तो आप चिन के साथ लाए को खत्म कर देंगे, तो आप सिंपल इतना बोलेंगे छिंग चिन प्लीज कम इन प्लीज एंटर, ठीक है, छिंग चिन प्लीज एंटर। तो क्वेश्चन ही ऐसे कहता है, क्वेश्चन पूछता है, ये बॉस है इसका और ये उसका एम्प्लॉय है, तो कहता है वह चिल्लाए माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये कहेगा चिल्लाए चिल्लाए, आ जाओ अंदर। लेकिन अगर जब आप छिंग लगा देंगे, तो फिर आप जस्ट इतना कहेंगे छिंग चिन प्लीज एंटर प्लीज कम इन। अगर आप छिंग नहीं लगाते, तो फिर आप कहेंगे चिल्लाए आ जाइए अंदर, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं छिंग जुआ प्लीज सिट, सॉरी छिंग जो, इसे हम पढ़ते हैं जो, ZUO, हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो मतलब बैठना, छिंग जो प्लीज सिट। अगर आप कोई मेहमान आता है, कोई भी आता है, अगर आप उसे कहना है प्लीज बैठ जाइए, तो आप कहेंगे छिंग जो प्लीज बैठ जाइए। लेकिन अगर आपने किसी से गुस्से में कहना है, तो आप कहेंगे जो बैठ जाओ, ठीक है, छिंग जो प्लीज सिट। छिंग छू प्लीज गो, छिंग छू प्लीज गो। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में
कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी, बहुत ही आसान था, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इसे टाइम दें, इंशाल्लाह आपको ये आसानी से आप इसे अब्जॉर्ब कर लेंगे, इसे समझ लेंगे और अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इसे बोल सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने का आपको ये फायदा है कि हमारी कोई भी नई वीडियो होगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।